कांग्रेस ने भी कुछ नहीं सोचा, कांग्रेस साल कांग्रेस रही, उसने क्या कर दिया, अभी बीजेपी आई क्या कर दिया, महंगाई महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब तो बोलो गरीबी खत्म कर रहे हैं, गरीबी कहाँ खत्म कर दिया, गरीब को मार रहे हैं, गरीब कहाँ खत्म कर रहे हैं, गरीब को ही मार रहे हैं, गरीब को क्या चाहिए, खाने के लिए आटा चाहिए, आटा 50 रुपए केजी हो गया यहाँ पे, और क्या चाहिए यहाँ पे, खाली नाम की डेवलपमेंट है, बच्चों को कोई काम देंगे, रोजगार देंगे, जा सड़कें नदियां पुल ब्रिज कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी का सोच रहे, बाकी पब्लिक के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा, चाहे बीजेपी है चाहे वो पहले पार्टियां थी, किसी ने अभी इलेक्शन आ गए तो सब 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 नुमाइंदे बाहर आ गया, जब गरीबों को कोई रोड की जरूरत पड़ती है, जब नाला हमारे इधर बड़े बड़े ब्रिज है, लाखों आबादी रहती है वहाँ पे, लाखों आबादी रहती है, कोई लीडर नहीं आता, हमने पूछने अभी अभी इलेक्शन आई है तो अब सब लोग वहाँ पे आएंगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगारी के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, जो युवा बच्चे हैं ग्रेजुएशन है पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई रोजगार नहीं, हमारा रोजगार ठप है, हम क्या सोचेंगे क्या मल है, सब गुमसुम है, सब इलेक्शन का दौर है, बड़े जोरों से है, अपनी अपनी पार्टी सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं, ये बीजेपी भी है और बहुत सारी पार्टी है यहाँ पे, बीजेपी आने से क्या महंगाई ज्यादा हो गया है। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है, धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं तो क्या उसके साइड इफेक्ट थे या प्रॉफिट था सब पर एक लिहाज से। क्या नाम है भैया? मेरा जसपाल सर। जसपाल जी, हाँ जी, ये जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल क्या है? हाँ जी, हाँ जी, चुनावी माहौल क्या है, इलेक्शन का दौर है, सब अपने अपने, आप कोई बोलो यार, मैं बोल रहा मोर अभी कुछ नहीं कह सकते सर, नहीं कुछ तो डिसाइड होगा ना, क्या लगता है अभी गर्मा गर्म में, अभी कुछ नहीं है, बीजेपी का भी वो जो जिस हिसाब से लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा है, 10 साल से बेरोजगारी बढ़ी रही है, कोई कम नहीं हुई है बेरोजगारी, हम ही हमें भी कोई 15 दिन के बाद टैक्सी का काम करते हैं हम, बाहर के लोगों की बाहर की गाड़ियां आ रही हैं, हमारा बिल्कुल ठप है, महीने के 2 चक्कर ही लगते हैं, हमारे को 7-8 हज़ार रुपये भी महीने का बच रहा है इस वक्त, और प्राइवेट गाड़ियां इतनी चल रही हैं, बाहर की गाड़ियां आ रही हैं, हमारा बिल्कुल धंधा जो है चपट है, तो अभी लोगों में थोड़ा यही माहौल है कि भाई कैसे काम होगा, कैसे चलेगा, कैसे घर चलेगा, मतलब महंगाई बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज्यादा है, और इधर भी देख रहे हैं रेलवे में हमें वो तो ही भैया ही नहीं होता बोलना, ताई ताई क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसको फायदा ज्यादा होगा? अभी देखिए सर, ऐसा है कि इलेक्शन का दौर है, बड़े जोरों से है, अपनी अपनी पार्टी सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं, कि बीजेपी भी है और बहुत सारी पार्टी है यहाँ पे, बीजेपी आने से क्या महंगाई ज्यादा हो गया है, वहाँ पे आटा देख लो कहाँ का पहुँच गया है, गरीबों के जो हमारे मतलब नौजवान पीढ़ी थी, जो युवा बच्चे हैं ना उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, हमारा भी जो है रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा है, युवा बच्चे जो है उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई भर्ती नहीं, मतदान को लेकर क्या मुद्दे हैं? मतदान को अभी लोग कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, गम समय है, समय कुछ भी हो लेकिन कुछ मुद्दे तो देख के होंगे ना, मुद्दे यही है सर, कोई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगारी के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, जो युवा बच्चे हैं ग्रेजुएशन है पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई रोजगार नहीं, हमारा रोजगार ठप है, हम क्या सोचेंगे क्या मल है, सब गुमसुम है, सब प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, धंधा पानी का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, कोई धंधा पानी भी हमारे बारे में भी सोचेंगे नहीं यार इनका चलना चाहिए, और रेलवे में देखो आप हमारे को रोड पे बैठा के रखा है, इधर कोई पूछने वाला नहीं, हमारे को पार्किंग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इधर ना चाय पानी, धूप में तड़प जाते हैं, पूरा दिन पक जाते हैं हम, देखो इधर कोई बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, रेलवे के पास इतना पैसा आता है, पार्किंग दें हमारे को, कोई सिस्टम से काम करें, मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं, पार्किंग हम फुल दे रहे हैं, विकास के बात करते हैं, विकास के दावे वादे करते हैं, जमीन पे वाकई में दिखता है रहे, विकास का क्या बोले सर, विकास हो रहा है, स्मार्ट मीटर लगे तो विकास कहाँ है, गलियां देखो, नदियां देखो, नाले देखो, सब गंदगी पड़ी है, सब गंदगी पड़ी है, इधर क्या इतनी पब्लिक रहती है, एक ब्रिज के बारे में हमारे को एक ब्रिज कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपया दिया, एक ब्रिज को नहीं खोल सके, और इनको ये भी बोला कि खाली गाड़ियां तो क्रॉस करवाओ उनको, खाली गाड़ी, और इलेक्शन का दौर, अभी इलेक्शन आ गए तो सब 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 नुमाइंदे बाहर आ गया, जब गरीबों को कोई रोड की जरूरत पड़ती है, जब नाला हमारे इधर बड़े बड़े ब्रिज है, लाखों आबादी रहती है वहाँ पे,
लाखों वादी रहती है, कोई लीडर नहीं आता। हमें पूछने अभी इलेक्शन आई है तो अब सब लोग वहाँ पे आएंगे। हमें कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, खाली नाम की डेवलपमेंट है। ये बच्चों को कोई काम देंगे, रोजगार देंगे, जहाँ सड़कें, नदियाँ, पुल, ब्रिज, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी का सोच रहे, बाकी पब्लिक के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा, चाहे बीजेपी है चाहे वो पहले पार्टियां थी, किसी ने नहीं कुछ। कांग्रेस ऐसा